वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए, रेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हम एक बार ये नज़र मारें कि हमने अभी तक कौन कौन से नंबर्स सीखे हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आइए एक इक्वेशन से समझते हैं। सपोज एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 15 एक इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, दैट इज 10। अब ये जो 10 आया हमारे पास x की वैल्यू, इसको हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है होल नंबर। एक और इक्वेशन लेते हैं, सपोज x प्लस फाइव इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है। इसको अगर हम x सॉल्व करेंगे x के लिए तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, दैट इज 0। सो हमें x की एक वैल्यू चाहिए ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, विच इज 0। सो दिस इज होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनिटी तक जाते हैं। फिर आता है इंटीजर। अब इंटीजर हमने लिखा है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो कि नेचुरल नंबर अभी हमने सीखे थे इस इक्वेशन से, जैसे कि x इक्वल टू 10। नाउ नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, एक हम इक्वेशन लेते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 मीन्स माइनस 2। तो x की हमें माइनस 2 वैल्यू मिली, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में हमें 10 मिला था। सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ओके, सो अब हमने हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले आइए हम ये दो इक्वेशंस सॉल्व करके देखें। 4x इक्वल टू 5, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो x की हमें एक वैल्यू मिलेगी 5/4, इसको याद रखिए। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। ये क्या सॉल्व होगा, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 मीन्स 6। सो x वुड बी इक्वल टू 6/2, विच कैन बी रिटर्न एज 3/1 इन अ रिड्यूस्ड फॉर्म, और हम इसको 3 भी लिख सकते हैं, राइट। सो ये दो वैल्यूज को याद रखिए। बेसिकली हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि हम ऐसा नंबर अगर कोई लिखें जो कि हम x/y की फॉर्म में लिख पाएं तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, यानी कि जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, हमें एक नंबर हमें मिले थे 3/1, 5/4, ये दो हमारे पास नंबर आए थे जो कि हमारे पास किस फॉर्म में थे, x/y की फॉर्म में थे। सो वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। वेयर x एंड y आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमने पढ़े हैं, माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, y कैन नॉट बी 0। क्या होगा अगर y 0 होगा तो, सपोज हमने लिखा x/y और इसमें हमने x एक इंटीजर ले लिया, सपोज -2 ले लिया और y हमने 0 ले लिया, तो -2/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए एक कंडीशन होती है, y कैन नॉट बी 0। तो रेशनल नंबर्स की क्या क्या एग्जांपल होंगी, 1/2, -3/7, ये सब रेशनल नंबर्स। अब हमने जैसे इस स्लाइड में देखा था, 3 को हम कैसे लिख सकते थे, 3/1 की फॉर्म में,
सिमिलरली इस स्लाइड में हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1, माइनस 7 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 7 अपॉन 1, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन 1, सिमिलरली 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1। तो यानी कि ये सारे नंबर्स हम x अपॉन y की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये सब भी रेशनल नंबर्स हैं। अब इसमें हम जो ऊपर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी कि x को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और y को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, एंड y कैन नॉट बी 0, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था। ओके, आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर्स। सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है 2 अपॉन 3 और दूसरा रेशनल नंबर है 5 अपॉन 4, तो हम इन रेशनल नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों? 3, 4। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 वन 3, 3 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 एज इट इज आ जाएगा। 4 से करेंगे 1, 1, सो हमारे पास एलसीएम आया 3 × 4, 12। वो 12 जो होगा वो हमारा रिजल्ट का डिनोमिनेटर होगा। अब इस 12 को पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले के न्यूमरेटर से, प्लस इसको इससे 12 को डिवाइड करेंगे 3 और उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 to the 8 प्लस 5 3 the 15 अपॉन 12 मीन्स 15 और 8 23 अपॉन 12। सो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया हमारे पास उसको हमने डिनोमिनेटर बना दिया रिजल्टेंट के रेशनल नंबर का। उसके बाद पहले वाले के डिनोमिनेटर से हमने रिजल्टेंट के डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके सिमिलरली सेकंड रेशनल नंबर के साथ किया, और जो आंसर आया उसको हमने ऐड कर दिया, एंड वी गॉट द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, राइट। आइए इस स्लाइड में अब हम सब्ट्रैक्शन देखें। जैसे हमने एडिशन किया था, सिमिलर वे में हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। आइए सपोज कीजिए हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, 4 अपॉन 5 और दूसरा रेशनल नंबर है 7 अपॉन 20। सब्ट्रैक्शन में भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, यानी कि 5 और 20 का, 5 वन द 5, 5 फोर द 20, 4 से करेंगे 4 वन द 4, 4 वन द 4, सो हमारे पास एलसीएम आया 20, सो 20 डिनोमिनेटर हो जाएगा, से 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ डिफरेंस ये होगा कि यहाँ माइनस आ जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर आएगा 16 − 7 / 20 मीन्स 9 / 20। सो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दोनों में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद सेम प्रोसीजर होता है, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे माइनस आ जाता है। ओके, अब हमने प्लस देखा, माइनस देखा, अब हम क्या देखेंगे इस स्लाइड में, वी विल ट्राई मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर्स। अब हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है 2 अपॉन 3 और दूसरा रेशनल नंबर है −4 अपॉन 5। अब मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, −8 / 5 3 the 15।
So this is how we do multiplication. Okay? So अब हम इस स्लाइड में देखेंगे, हमने माइनस कर लिया, प्लस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम डिवीजन करेंगे. सपोज दो रेशनल नंबर्स हैं 2/3 और 5/16. सपोज हमारे पास ये दो रेशनल नंबर्स हैं. अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट कर दें इस सिंबल को, तो हमें पिछली स्लाइड में हमने मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया. तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिससे डिवाइड करना होता है उसको उल्टा कर देते हैं. मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, और डिवीजन को हम मल्टीप्लाई बना देते हैं. तो अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया सिंपल, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. सो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 216 the 32 एंड 53 the 15. तो हमने डिवीजन भी सीख लिया. अब ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 1, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. अगर हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें आंसर मिले 1, तो बोथ द रेशनल नंबर्स आर सेट टू बी रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. यानी कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं x/y एंड p/q, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आंसर मिलता है 1, तो यानी कि p/q और x/y एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या रेसिप्रोकल हैं. ओके, तो आइए हम इससे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं, x/y और p/q के बीच में. x/y को इधर रहने देंगे और p/q यहां आके डिवाइड हो जाएगा. अब इस डिवाइड को अगर हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको उल्टा कर देना पड़ेगा, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिवीजन में देखा था. तो ये बन जाएगा q/p. ओके, यानी कि x/y जो होगा वो इक्वल होगा q/p के. सो इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज 4/3 एक रेशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/4, राइट. इसको हम चेक भी कर सकते हैं, आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का ट्राई करें. 4/3 × 3/4, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12/12 मींस 1. सो डेफिनेशन से अगर दोनों रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 होता है, तो वो दोनों रेशनल नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स. अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव मतलब ऐड करना है. जब दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं और हमें रिजल्ट 0 मिलता है, सपोज x/y x/y + a/b, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, इनको अगर हमने प्लस किया और आंसर 0 आया, तो ये दोनों रेशनल नंबर्स एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे. अब इनके बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं हम, x/y = 0 - a/b, यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि -a/b. सो x/y = -a/b. एक एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है 4/3. अब हमें इस 4/3 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो वो क्या होगा, हम इसको अगर 0 से माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा 0 - 4/3 मीन्स -4/3. सो -4/3 एंड 4/3 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. मीन्स अगर हमें कोई रेशनल नंबर दिया है
उसका अगर हम साइन चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 4 अपॉन 3 पॉजिटिव था, हमने माइनस 4 अपॉन 3 कर दिया, सो इट बिकम्स एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, अब हम इस स्लाइड में सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है मैथमेटिकली। हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो सपोज हमें दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं 1/2 और दूसरा दिया हुआ है हमें 1/4। अगर हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? एक तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे है? हम इन दोनों के, जिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें एक और रेशनल नंबर निकालना है, हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे पहले स्टेप में। सो हमें क्या मिलेगा? 1/4 एंड सॉरी 1/4 है और दूसरे के डिनोमिनेटर को, यानी कि 1/2 के डिनोमिनेटर को भी अगर हम 4 बना दें तो हमें क्या मिलेगा? वो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो इट विल बिकम 2/4। दिस 1/2 विल बिकम 2/4। सो बेसिकली 1/4 और 2/4 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। तो वो क्या होंगे? 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1.5। सो 1.5/4 एक रेशनल नंबर होगा। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसको हम 1.5 में अगर हम पॉइंट को हटाना चाहें तो हम इसको 15/40 भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस वुड बी द अनदर रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4। अब मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं? सिमिलरली अगर हम इन दोनों का एग्जांपल लें 1/2 एंड 1/4 का, और अब हम इसको मैथमेटिकली निकालने का ट्राई करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि ऐड हमने सीखा था, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आएगा 4। 2 को इससे डिवाइड किया 2 1, प्लस 4 को 4 से किया 1, न्यूमरेटर भी 1 अपॉन ये जो हमने मेन 2 लगाया था। देन वी विल गेट 2 प्लस 1/4/2 मीन्स 2+1 3/4 और ये 4 नीचे आ जाएगा इस 2 के साथ, सो दिस विल बिकम 3/8। सो 3/8 इज अनदर रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4। तो हमने दो मेथड सीखे, वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर वन इज मैथमेटिकली कैलकुलेट करके। नेक्स्ट है, अगर हम एक नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को शो करना चाहें तो हम कैसे शो करेंगे, राइट? अब हमने ये सीखना है। अब सपोज हमें 1/2 को एक नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन क्या होती है? ये एक लाइन है, राइट? इसका मिडल है 0। इसमें अगर हम 1, 2, 3 और इस तरफ -1, -2, -3 बनाते हैं तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन बन गई। अब इस नंबर लाइन में हमें हाफ ढूंढना है। हाफ कहाँ होगा बच्चों? 0 और 1 के बीच में, यानी कि यहाँ पे। सो दिस वुड बी द पॉइंट विच डिनोट्स दिस रेशनल नंबर। ओके, सपोज एक हमारे पास रेशनल नंबर है, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 3/4। ओके, अगर हमें इसे शो करना है नंबर लाइन पे, आइए एक और नंबर लाइन बनाते हैं। ओके, सो दिस इज अवर 0। नाउ टेल मी, 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4 को अगर हमें नंबर लाइन पे लिखना है, 3/4 इज लेस देन 1, सो हमें 1 को बड़ा बनाना पड़ेगा
और इस 1 के हमें चार टुकड़े करने पड़ेंगे, 1, 2, 3 एंड ये खुद फोर्थ, 1 ये एक हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। सो ये हमारे पास चार टुकड़े आ गए 1 के, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं, 4/4 इज 1, सो 4/4 भी हम लिख सकते हैं 1 को। तो अब हमारे पास हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। सो 3/4 कहाँ पर डिनोट होगा, यहाँ पे। सो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ हमें जिस तरीके से रेशनल नंबर दिया होगा उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, ओके।